अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। टेलीनॉर इजी पैसा अकाउंट में मौजूद पैसे विड्रॉ और ट्रांसफर करने के हवाले से टेलीनॉर ने अपने इजी पैसा अकाउंट होल्डर्स को एक डेबिट कार्ड भी इशू करता है। ये डेबिट कार्ड पाकिस्तान में मौजूद बैंक्स जो इशू करते हैं सेम उसी टाइप का डेबिट कार्ड होता है। टेलीनॉर अपने इजी पैसा कस्टमर्स को जो डेबिट कार्ड इशू करता है उसके एनुअल चार्जेस भी होते हैं। अगर आप इजी पैसा अकाउंट के डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन चार्जेस भी डिटेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप इजी पैसा फ्रेंचाइज में मौजूद एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस आमतौर पर 18 से 20 रुपए होते हैं। टेलीनॉर इजी पैसा डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले एक्टिवेट करना होता है। टेलीनॉर इजी पैसा डेबिट कार्ड को दो तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों तरीकों के बारे में तफसील से बताया जाएगा। इजी पैसा अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं और इजी पैसा अकाउंट के थ्रू आप पैसे किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, इस हवाले से तफसीली वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमाती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। इजी पैसा डेबिट कार्ड को इजी पैसा ऐप से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इजी पैसा ऐप के बगैर भी इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको इजी पैसा ऐप के बगैर डेबिट कार्ड एक्टिवेट करने का तरीका बताया जाएगा। अपने मोबाइल का डायल पैड ओपन करें और वहां पर *786# लिखकर डायल के बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपके सामने 11 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। ऑप्शन नंबर 6 माय अकाउंट है। आप यहां 6 नंबर टाइप करें और सेंड के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 5 मैनेज एटीएम कार्ड है। आप यहां पर टाइप करें और सेंड के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होगी। ऑप्शन नंबर 1 में क्रिएट एटीएम पिन लिखा है। आप यहां पर 1 टाइप करें और सेंड के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा जिसके मुताबिक आप इजी पैसा डेबिट कार्ड का जो भी पिन कोड सेट करना चाहते हैं वो यहां पर टाइप करें। पिन कोड 4 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, मिसाल के तौर पे 5876। इसके बाद आप सेंड के बटन पर क्लिक करें। आपके पास कंफर्मेशन के हवाले से दोबारा आपसे पिन कोड पूछा जाएगा तो आप दोबारा यही पिन कोड टाइप करके सेंड के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह टेलीनॉर का एटीएम डेबिट कार्ड बिना इजी पैसे ऐप के एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको टेलीनॉर इजी पैसा ऐप के थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने का तरीका बताऊंगा। आप टेलीनॉर इजी पैसा ऐप को ओपन कर लें। इजी पैसा ऐप ओपन करके उसमें लॉग इन हो जाए। लॉग इन होने के बाद आपके सामने टेलीनॉर की मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। यहां पर माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद मैनेज डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने मजीद 3 ऑप्शंस शो होंगे। आप यहां क्रिएट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने क्रिएट पिन की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहां पर इजी पैसे के डेबिट कार्ड पर मौजूद एटीएम कार्ड नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स टाइप करें। उसके बाद यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट्स का पिन कोड टाइप करें, मिसाल के तौर पर 5876। सेम यही पिन कोड दोबारा यहां पर टाइप करें। उसके बाद कंफर्म पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा, आपका पिन कोड कामयाबी के साथ सेट हो चुका है और आपका एटीएम डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको टेलीनॉर इजी पैसा डेबिट कार्ड एक्टिवेट करने के हवाले से यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।